वासुदेवाय सुन।
वासुदेवाय
श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि 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 जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण सत्य नारायण नारायण हरि हरि 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 सत्य नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि बद्री 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 नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि हे प्रभु हम पर दया करो हे प्रभु हम पर कृपा करो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि
ब्रज मन नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायणा ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि 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 श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि सत्य नारायण नारायण हरि हरि सत्य नारायण नारायण हरि हरि सत्य नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि
नमो नारायण। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की। भक्तों, आज पावन बृहस्पतिवार है। कुछ लोग इसे वीरवार अथवा गुरुवार भी कहते हैं। यह दिवस भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। जो भक्त बृहस्पतिवार को भगवान श्री हरि विष्णु का उपवास रखता है, सारा दिन हरि भजन और कीर्तन करता है, सायंकाल व्रत कथा सुनने के पश्चात पूजन चालीसा आरती कर पीले रंग के मीठे भोजन से भगवान को भोग लगाता है और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करता है, वो भक्त जीवन में समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। तो आइए सुनते हैं संगीतमय पावन बृहस्पतिवार व्रत कथा। श्रीमन नारायण हरि गालो, श्री विष्णु जी को ध्यालो, हो कल्याण जी पाओगे मुक्ति वरदान जी। बृहस्पतिवार के व्रत की गाथा पार हुआ जो सुनता सुनाता, ले लो नाम जी पाओगे मुक्ति वरदान जी। एक महाप्रतापी राजा राज्य किया करता था। अत्यंत प्रजावत्सल और धर्मपरायण था। यथा संभव ब्राह्मणों एवं दरिद्रों को दान पुण्य किया करता था। परंतु उसकी रानी पूर्णतः नास्तिक थी। स्वयं तो पूजा पाठ करती नहीं थी और राजा को भी दान पुण्य करने से रोका करती थी। एक समय राजा आखेट करने हेतु वन गए हुए थे। उसी समय देव गुरु बृहस्पति दरिद्र ब्राह्मण के वेश में राजमहल में आए और भिक्षा मांगने लगे। रानी तो पहले से ही दान पुण्य से दुखी थी। देव गुरु बृहस्पति रूपी ब्राह्मण से बोली, हे ब्राह्मण देव, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। भगवान करे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, ताकि न रहे बांस और न बजे बांसुरी। गुरु बृहस्पति ने उसे लाख समझाया, परंतु वो ना मानी। देव गुरु बृहस्पति करते भी तो क्या, तथास्तु कहकर उसे धन संपत्ति नष्ट होने का उपाय बताकर अंतर ध्यान हो गए। गुरुवार को घर को लीपना, पीली मिट्टी से स्नान भी करना, भट्टी जला कर कपड़े धोना और सिर धोना भूल न जाना। सारा धन माटी मिल जाए, यश वैभव सब कुछ खो जाए, घटे नाम जी दुनिया हो जाएगी वीरान जी। दुनिया हो जाएगी वीरान जी। श्रीमन नारायण हरि गालो, श्री विष्णु जी को ध्यालो, हो कल्याण जी पाओगे मुक्ति वरदान जी। बृहस्पतिवार ऐसा ही किया था भक्तों, और देखते देखते उनकी सारी धन संपत्ति सुख यश वैभव सब समाप्त हो गया। कल तक जो राजा धन धान बांटता था, आज स्वयं एक एक अन्न के दाने को तरस गया था।
एक दिन राजा के मन में विचार आया कि वो परदेश जाकर कुछ धंधा करेगा, वहीं से कुछ पैसे जोड़कर रानी को भेजेगा। यह सोचकर रानी के साथ एक दासी को छोड़ा और स्वयं परदेश चला गया। वहां लकड़ी काटकर बेचता, बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करता। इतना भी धन नहीं कमा पाता था कि रानी को कुछ भिजवा सके। और इधर जब 7 दिनों तक लगातार रानी और दासी दोनों भूखे रहे, तब रानी ने अपनी दासी को पास के नगर में रहने वाली अपनी बहन के पास मदद मांगने हेतु भेजा। आगे क्या हुआ, आइए सुनते हैं। गुरुवार का व्रत वो करती रानी की बहना पूजन करती। दासी ने सब बात बताई पर बहना से ना उतर पाई। मन से वापस आई रानी को सब बात बताई, हुई हैरान जी कैसे है फूटे मेरे भाग जी। श्रीमन नारायण को गालो, श्री विष्णु जी को ध्यालो, ओ कल्याण जी व्रत की कथा है ये महान जी। उधर रानी की बहन ने जब गुरुवार का व्रत पूजन समाप्त किया तो भागी भागी अपनी बहन के पास आई। बोली, बहना मैं बृहस्पतिवार का पूजन कर रही थी, इस पूजन के बीच में न तो उठते ही हैं और न ही किसी से कुछ बोलते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हारी दासी की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। रानी ने जब अपना सारा हाल अपनी बहन को रो रो सुनाया तो वो बोली, बहना भगवान बृहस्पति देव अत्यंत दयालु और कृपालु हैं, तू सच्चे मन से उनका ध्यान लगा, उनसे अपने किए की क्षमा मांग, वो तुझे अवश्य ही क्षमा कर देंगे। रानी ने ऐसा ही किया कि तभी रसोई घर से कुछ आवाजें आने लगी। दासी ने दौड़ कर देखा तो क्या देखती है कि बर्तन अनाज से भरे हुए हैं। बृहस्पति देव की कृपा से सबने प्रेम से भोजन ग्रहण किया। भोजन के पश्चात रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार पूजन की व्रत विधि और व्रत कथा पूछी तो बहन ने ये बताया, दाल चने और लेना मुनक्का पूजा की फिर थाल सजाना। विष्णु जी का पूजन करने केले की तुम जड़ में जाना। पीले वस्त्र को धारण करना, पीला मीठा भोग लगाना, हो कल्याण जी देंगे दया का हरिदान जी। नारायण को गालो, श्री विष्णु जी को ध्यालो, हो कल्याण जी व्रत की कथा है ये महान जी। अगले बृहस्पतिवार रानी व दासी दोनों ने
गुरुवार का व्रत रखा, थाल में थोड़ी सी चना दाल, गुड़ और मुनक्के रखे, केले की जड़ में जाकर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया, पीले वस्त्र धारण किए, सायंकाल पूजन आरती और व्रत कथा के पश्चात जब भोग लगाने लगी तो क्या देखती है कि थाल में मीठा पीला भोजन तो है ही नहीं। दोनों सच्चे मन से भगवान बृहस्पति देव का सुमिरन करने लगी कि तभी क्या देखते हैं कि थाल में देशी घी के बने बेसन के लड्डू भरे हुए हैं। दोनों ने मिलकर भगवान को भोग लगाया ही था कि भगवान की कृपा से राजा भी कुछ धन कमाकर परदेश से वापस आ गया। धीरे धीरे उनका खोया धन यश वैभव वापस आ गया। अब राजा रानी नित्य प्रति बृहस्पतिवार का व्रत रखते, पीले वस्त्र धारण करते, पूजा की थाल में गुड़ चना और मुनक्के लेते, केले की जड़ में जाकर श्री हरि विष्णु का ध्यान लगाते, सायंकाल पूजन आरती के पश्चात व्रत कथा सुनते, मीठी पीली वस्तु का भोग लगाते, भगवान की कृपा से पहले की ही तरह राजा रानी दान पुण्य करने लगे और जीवन के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुए। इसी तरह भक्तों, यदि कोई प्राणी बृहस्पतिवार का पावन व्रत पूरे श्रद्धा भाव के साथ रखता है और सभी नियमों का पालन करता है, वो प्राणी श्री हरि की विशेष कृपा को प्राप्त करता है। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की। वीरवार व्रत कर जाओगे, भव सागर से तर जाओगे, चंदन तिलक जो करते अर्पण, हरि कृपा तुम पा जाओगे। बेड़ा श्री हरि पार लगाए, भक्तों पर कृपा बरसाए, देवर दान जी भक्तों का होगा कल्याण जी। श्रीमन नारायण को गालो, श्री विष्णु जी को ध्यालो, हो कल्याण जी, व्रत की कथा है ये महान जी। जगत पते जग के पालनहार, आपके श्री चरणों में नमन है सौ सौ बार। पार ब्रह्म परमात्मा परम पिता तेरु नाम, स्वर्ग से पावन है प्रभु आपका वैकुंठ धाम। शंख चक्र गदा धारते और पदम तोरे हाथ, दया के आप निधान हो नाथों के हो ना। कल्प तरु के समान है आपकी कृपा ना, धन वैभव यश कीर्ति देते दीना ना। आनंद आनंद कंद श्री विष्णु भगवान,
बालक हम नादान हैं, दूर करो अज्ञान। रूप चतुर्भुज आपका पावन परम सुहाग, चरण शरण में आए जो अब से वो तर जा। लक्ष्मी रमणा आप हो श्री नारायण आ, सब भक्तों के काटते पाप ताप संता। चिंता मणि बन के प्रभु सगरी चिंता मिटा, श्री नारायण बोले जो उसको शरण लगा। जब धरा पे पापों का बढ़ने लगा था भार, धरा के भार को हरने को ले लिए थे अवतार। दस अवतारों की कथा पावन परम महान, जिसने सुनी भव तर गया जाए वैकुंठ धाम। श्री विष्णु के चरणों का भक्तों ध्यान लगा, दस अवतारों की कथा तुमको रहा सुना। अवतारों की है कथा कहते वेद पुराण, भक्तों ध्यान लगाइए कर लीजिए गुणगान। पहले मत्स्य अवतार को नमन है सौ सौ बार, प्रलय से बचाने धरती को धरे मत्स्य अवतार। मनु नाव में बैठ कर जो ही सागर था, आई प्रलय मनु धरती को मत्स्य अवतार बचा। कच्छप कहो या कूर्म कहो दूजा है अवतार, अपनी पीठ पे धारा था तुमने शिला का भार। सागर मंथन हो रहा शिला को कौन उठा, कूर्म रूप अवतार में श्री विष्णु जी आ। नारायण ने धरा वराह कथा अवतार, हिरण्याक्ष से दैत्य का तुमने किया संहार। हिरण्याक्ष की कैद से धरती को छुड़वा, दांतों मध्य में धार के ले पाताल से आ। नरसिंह रूप तो आपका चौथा है अवतार, हिरण्यकश्यप दैत्य का तुमने किया संहार। अपने भक्त प्रहलाद की तुमने जान बचा, गोदी बैठ प्रहलाद ने नारायण गुण गा।
तुम्हें आपने वामन लिया अवतार, बलि नामक दैत्य को भव से लगाया पार। दानी बलि से आपने भूमि तीन पग मान, दो पग में नापी सृष्टि कीजी रखूं कांटा। बलि ने चरणों में आपके दे दिया शीश नवा, उसके शीश पे आपने दिया तपग धरा। बलि ने हाथ उठाई के करी थी जय जय का, बलि को अमर बना दिया महिमा अपरंपार। परशुराम तो आपका छठा प्रभु अवतार, ब्राह्मण होकर भी प्रभु फरसाहत रहे था। तीन बार धरती करी क्षत्रियों से भी, जय जयकार लगा रहे सभी दीन और ही। त्रेता युग में आपने धरा राम अवतार, पापी रावण का किया आपने ही संहार। मर्यादा पुरुषोत्तमा बन के राह दिखा, मर्यादा क्या होती है सृष्टि को दिया बता। युग में आपने धरा कृष्ण अवतार, पापी कंस कुमार के हरा धरती का भार। महाभारत के महानायक गीता ज्ञान पठा, भेद आत्मा के सभी सृष्टि को बतला। बुद्ध के अवतार में दिया शांति संदेश, अहिंसा परम ये धर्म है आपका है आदेश। मुक्ति फल जो पाना है बुद्ध की शरण में जा, बुद्धम शरणम गच्छामि सभी भक्त ये काम। रूप में कल्कि का धरोगे तुम अवतार, पीले घोड़े आओगे होकर तुम असवार। कलयुग का मिटा दोगे पाप ताप संता, पाप की राह बुहारते कब आओगे आ। भार प्रभु इस कलयुग का अब तो सह नहीं जा, तुम बिन है कल की प्रभु हमको कौन बचा। संभल नगरी आपका पावन परम स्थान, इसी जगह पर जन्मेंगे श्री कल की भगवान।
दस अवतारों की कथा पावन परम सुना। नारायण हरि नाम की मन में अलख जगा। जैसे धन्ना जाट के शालिग्राम बन आ, हम भी शरण है आपकी प्रभु वर पार लगा। जैसे मोहिनी रूप में लीला परम दिखा, वैसे ही प्रभु भक्त को अपनी शरण लगा। चरण धूल से आपकी चंदन तिलक लगा, हाथ जोड़ विनती करी प्रभु जी रहना सहा।
स्वामी जय बृहस्पति देवा।